इधर ये देखें, सुबह सुबह का टाइम है, हम अरीशा और विशाल की नानी के घर रहे हैं। किसका घर है? नानी के घर। नानी का घर है? नानी का। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? नानी का। नानी घर है? अच्छा, नानी कितना है? अल्लाह को ले। नानी अल्लाह को ले दवाल, नानी तो घर आऊँ फायदा। अल्लाह को ले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ गाजी शहजाद, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग। तो व्यूअर, वीडियो शुरू करने से पहले आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करना। तो व्यूअर, ये सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं हम इशाल के नानी में घर आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना व्यूअर्स को ये इशाल के नानी अम्मा के गाँव का सुबह सुबह का व्यू दिखा दूँ। ठीक है, तो ये देखिए पीछे मकान बन रहा है, तो ये इशाल के छोटा मामू है, उनके लिए मकान बनाया गया है। तो एक दो माह तक उनकी शादी है, और गांव में जैसे सादा से मकान बनाए जाते हैं वो बनाए गए हैं। और मैं आपको ये थोड़ा सा अंदर बाहर मकान भी दिखाता हूँ, और इधर बाहर का व्यू भी आपको नानी अम्मा के गाँव का दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर वापस चलते हैं घर। तो ये देखें मेरी उधर गाड़ी भी खड़ी है, वो देखें। तो ये इशाल के नानी अम्मा का घर है, वो जो कल मैंने आपको दिखाया था वो उनकी खाला का घर था। ये देखें ये सब मकान, ये इधर उधर, ये देखें ये उन्हीं के हैं। और मैं आपको अब गांव का माहौल दिखाता हूँ और उसके बाद फिर घर चलते हैं। तो इधर ये देखें, सुबह सुबह का टाइम है, हम अरीशा और इशाल की नानी के घर रहे हैं। किसका घर है? नानी के घर। नानी का घर है? नानी का। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? नानी का। नानी घर है? अच्छा, नानी कितना है? अल्लाह को ले। हाँ। नानी अल्लाह को ले दवाल, नानी तो घर आऊँ फायदा। अल्लाह को ले। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम है अभी, हम मैं नमाज पढ़ के फिर आके सो गया था इधर आके। तो ये देखें अब ये उठ तो गए, तो अब मेरी खैर नहीं है। ये कौन है? अरीशा, अरीशा इधर आओ, इधर आओ। ये कौन है? ये कौन है? ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? ये देखो अभी मुझे तंग कर रहे हैं। अब बस करो, मैं गिर जाऊंगा। क्या हो गया ये? ये देखें, ये सामने बकरियां हैं और जानवर हैं। तो अरीशा बोल रही है कि मेमे है, मेमे मेमे किधर है? मेमे अरीशा, हाँ ओ रे हमें। ये देखें माशाल्लाह, इशाल के नानी अम्मा के घर, इशाल के मामों पे जानवर वगैरह देखें। ये देखें हमारे यहाँ तो एक दो हैं, लेकिन माशाल्लाह इनके पास बहुत सारे ये बकरियाँ वगैरह और ये जानवर आप देख रहे हैं। तो अब मैं उधर जाके आपको व्यूअर, ये देखें ये मकान बनाया सादा सा। गांव में तो फिर सादा से मकान होते हैं, कोई महल माड़ी नहीं होती। ये देखें ये अभी कुछ रहता है। ये देखें बाहर दीवारें वगैरह, ये कमरे वगैरह बन गए हैं। तीन कमरे हैं, एक ये कमरा है और सेंटर में गैलरी है और एक ये है, और पीछे भी मेरे ख्याल से स्टैंड बना है। ये देखें व्यूअर्स, गांव में ये बनाए जाते हैं रोटी, ये तंदूर है और वो तंदूरी है, मतलब कि उसके ऊपर सालन वगैरह हांडी वगैरह पक जाती है, लेकिन इसके अंदर सालन वगैरह हांडी नहीं पकती। इसके अंदर लकड़ी डाल के पहले इसको गर्म किया जाता है, फिर इसके ऊपर रोटियाँ लगाई जाती हैं। तो ये देखें मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये देखें, और वो भी है। तो अब मैं आपको ये पीछे का
ये देखो पीछे वाला सहन दिखाता हूँ, ये देखो वो सामने दीवार है, अब इस साइड पे और इस साइड की दीवारें रहती हैं, ठीक है। तो ये अब गांव का माहौल देखना, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सब्जा है यहाँ पे, वो सामने जंतर उगा हुआ है और उसके साथ साथ ये देखें ये आपको माहौल इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पसंद आएगा। और कौवे की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे सुबह सुबह, आपको मैं कौवा दिखाता हूँ, ये देखें उड़ गया है। तो ये माशाल्लाह सुबह का गांव का व्यू है, ये देखें ये कौवे की आवाज़ सुने और उड़ भी रहे हैं सुबह सुबह का टाइम है, ये व्यू देखें बस आप गांव का ज़बरदस्त, ये बालन वगैरह पड़ा है ठीक है ना, और ये जंतर है, जंतर भी बड़ा सारा हो गया, और ये कपास है, दूर से मुझे लगा कि शायद ये कोई सब्जी वगैरह हुई है तो मैं यहाँ ले आया हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये तो कपास है छोटी छोटी सी है। ये मेरे ऊपर कौवे भी बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से कौवों को मेरी बात समझ आ रही है तो वो जवाब दे रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को भी अगर मेरी बात समझ आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। व्यूवर ये देखें मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिखाया सुबह सुबह का गांव का, कितना ज़बरदस्त, और कैमरे में देख कितना हरियाली नज़र आ रही है। तो व्यूवर्स मैं मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ आप व्यूवर्स को दिखाने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो आप व्यूवर्स का भी हक बनता है कि आप ना हमें सपोर्ट करें। किस तरह सपोर्ट करें, अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपकी मेहरबानी है, और आपने ना वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, क्योंकि जितने व्हाट्सएप वगैरह और आपके पास अगर FB पे जितने ग्रुप वगैरह हैं सब में अगर मेरी वीडियो शेयर करेंगे तो उसमें अगर आप शेयर करते हैं ग्रुप में अगर 400-500 बंदा है उनमें से 4-5 बंदा तो आ ही जाएगा, तो इसी तरह सपोर्ट करें आप मुझे। अगर कोई यूट्यूबर मेरी वीडियो देख रहा है, बड़ा यूट्यूबर है, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अगर कमेंट में मेरा लिंक लगा दे तो उसके भी बहुत मेहरबानी है। तो इसी तरह आपने मेरे, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो मेरे पहले वाले हैं तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अभी न्यू है जो दो वीडियो देख रहा है, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार फिर आप मेरी मुकम्मल वीडियो को वॉच करें सारे को अगर टाइम है तो, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब के साथ साथ वाइट टाइम की भी ज़रूरत है, ताकि इस तरह मेरा वाइट टाइम बढ़ जाएगा और मुझे जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और इसी तरह मैं आपको एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।